गाइस मेरा नाम निशांत है, आप देख रहे हैं। तो गाइस आज मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ रांची के दुर्गा पूजा पंडाल घुमाने के लिए। रांची में दुर्गा पूजा पंडाल काफी हद तक बन के कम्प्लीट हो चुके हैं गाइस। इस वर्ष दुर्गा पूजा पंडाल की क्या लागत आ रही है और क्या दुर्गा पूजा पंडाल बन के रेडी हो चुका है, ये सब बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से गाइस। और क्या लागत आ रही है और क्या थीम पे बन रहा है रांची में दुर्गा पूजा पंडाल 2024 में, बताने की कोशिश करूँगा गाइस। और आज मैं आप लोगों को दिखाने चाहता हूँ रांची में कहाँ कहाँ पूजा पंडाल बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में आप बने रहिए अंत तक, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और गाइस आप जज मत करिए कि मैं नंबर वन पे लाया इसे नंबर टू पे लाया, मैं जज नहीं कर सकता हूँ, बट मैं एक नंबर से बैठा दे रहा हूँ सिस्टमेटिक लगने के लिए कि ये टॉप नंबर वन पे है, टॉप टू पे है, आप जज मत करिएगा। चलिए इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ इस वर्ष 2024 में रांची के टॉप 10 दुर्गा पूजा पंडाल। और गाइस अगर आप नए हैं प्लीज़ गाइस अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर करें, या तभी तो मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों को दे पाऊंगा। प्लीज़ गाइस सपोर्ट जरूर करें, चलिए आप वीडियो अंत तक देखिए। चलिए तो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है हमारा राम मंदिर, जो कि ठीक बना हुआ है बिरथा चौक के पास। यह राम मंदिर बना हुआ है जस्ट आप लोग का पुराना विधानसभा के जस्ट निकट में। यह राम मंदिर का प्रारूप बना हुआ है जो कि काफ़ी रांची में आकर्षण का केंद्र और काफ़ी एट्रैक्टिव लग रहा है। काफ़ी हूबहू राम मंदिर का प्रारूप लग रहा है गाइस, जो कि बनने में करीब आप लोग का 1 करोड़ रुपए लग गए हैं, जो कि रांची के बकरी बाजार को टक्कर दे रहा है गाइस इस वर्ष, जो कि बिल्कुल नया बना है इस वर्ष रांची में राम मंदिर का प्रारूप। जस्ट आप लोग का ध्रुवा के विधानसभा पुराने विधानसभा का जस्ट बगल में बनाया गया यह मंदिर, जो कि काफ़ी आकर्षण का केंद्र है रांची में। क्या आप इस वर्ष आ रहे हैं राम मंदिर देखने, तो प्लीज़ गाइस कमेंट जरूर कमेंट करें कि आप राम मंदिर देखने आ रहे हैं या कौन सा प्लेस विजिट कर रहे हैं रांची में दुर्गा पूजा में इन दिनों। तो देखिए कुछ इस तरह से बनाया गया है राम मंदिर का प्रारूप, जो कि हूबहू लगता है गाइस राम मंदिर का प्रारूप, जो कि लगता ही नहीं है कि बनाया गया है, बिल्कुल हूबहू नक्काशी किया गया है संगमरमर के में, उस टाइप से लगता है गाइस। तो राम मंदिर काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है गाइस रांची में, जिसकी लागत आ रही है करीब 1 करोड़ रुपए है। क्या आप 2024 में जा रहे हैं राम मंदिर देखने, तो प्लीज़ गाइस कमेंट में जरूर कमेंट करें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट तो जरूर करें, या तभी तो मैं इस तरह का वीडियो वगैरह आप लोगों को दे पाऊँगा। तो चलिए गाइस आप लोग अब सेकेंड लोकेशन पर ले चलता हूँ आप लोग का। तो गाइस सेकेंड लोकेशन पर आ रहा है हमारा बकरी बाजार दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि ठीक आप लोग का रांची में फर्स्ट नंबर पर आता था, बट अब सेकेंड नंबर पर आने वाला है बकरी बाजार दुर्गा पूजा पंडाल, क्योंकि रांची में टक्कर देने आ चुका है राम मंदिर का प्रारूप बनाया गया, जिसकी लागत आ रही है करीब आप लोग का 1 करोड़ रुपए आ रही है। और बकरी बाजार की लागत आ रही है गाइस करीब आप लोग का 70 से 80 लाख रुपए के बजट में बना है। यह साई दरबार का थीम बनाया गया है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से, काफ़ी बेहतर और काफ़ी आकर्षण का लुक बना हुआ है। ये भी रांची में नंबर वन पर टक्कर देने की कोशिश किया है गाइस, क्या ही बोला जाए, रांची में तो नंबर वन पे आता था बट अब राम मंदिर ने इसकी जगह ले लिया है, क्या ही बोला जाए। आप देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह से लगता है यह बकरी बाजार का दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा काफ़ी भव्य लग रही गाइस, जो कि काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और अंदर में काफ़ी कलाकृति की गई है जो कि काफ़ी यूनिक और काफ़ी आकर्षण का केंद्र खींच रही है। क्या आप इस वर्ष जा रहे हैं बकरी बाजार दुर्गा पूजा पंडाल घूमने के लिए, तो प्लीज़ गाइस जरूर कमेंट करें। और मैं इस वर्ष नाइट का भी शूट लाऊंगा, अब नाइट में भी दुर्गा पूजा आप लोगों को टॉप 10 घुमाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं फ़िलहाल डे में शूट कर रहा हूं, आप लोगों को डे का फुटेज दिखा रहा हूं, क्योंकि दुर्गा पूजा अब चालू हो ही चुका है। जस्ट आप लोगों का 6 तारीख से पट वगैरह खोल दिया जाएगा और आप दर्शन के लिए जा सकते हैं, दुर्गा पूजा में आप दर्शन वगैरह ले सकते हैं, माँ दुर्गा का दर्शन कर सकते हैं गाइस। और आप कौन सा दुर्गा पूजा पंडाल बेस्ट लगता है प्लीज़ गाइस कमेंट में जरूर कमेंट करें। आप तो वीडियो देखते हैं गाइस बट कमेंट ही नहीं करते हैं गाइस, प्लीज़ गाइस कमेंट जरूर कमेंट करें। और बकरी बाजार दुर्गा पूजा पंडाल में एक छोटा सा मेला आयोजन किया जाता है हर साल, इस साल भी मेला वगैरह का आयोजन किया जा रहा है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से लग रहा है, तैयारी काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है गाइस। क्या आप इस वर्ष आ रहे हैं बकरी बाजार, तो प्लीज़ गाइस कमेंट जरूर कमेंट करें। तो चलिए आप लोगों को ले चलता हूँ। तो थर्ड नंबर पे आता है हमारा रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा पंडाल, जिसे बनाने में लागत आ रही गाइस करीब 40 से 50 लाख रुपए की लागत आ रही है। और ये थीम बनाया गया है गाइस आदि योगी जी का, जस्ट भगवान शिव शंकर जी का प्ररूप बनाया गया है गाइस, जो कि देखने में काफ़ी भव्य और काफ़ी आकर्षण का केंद्र लगता है गाइस। रांची रेलवे स्टेशन में भी काफ़ी मेहनत और काफ़ी निपुणता से काम किए जाते हैं गाइस, जो कि काफ़ी देख सकते हैं कुछ इस तरह से अपनी कला को दिखाते हुए हैं। और जो यहाँ कारीगर आते हैं काम करने, वो सब
बाहर से आते हैं, उड़ीसा, बंगाल, कोलकाता से आते हैं गाइस ये कारीगर, और यहाँ पर काफ़ी निपुणता और काफ़ी मेहनत से काम करते हैं। देख सकते हैं रांची रेलवे स्टेशन का दुर्गा पूजा पंडाल, आपको कैसा लगा गाइस प्लीज़ कमेंट जरूर कमेंट करें। और माँ दुर्गा की प्रतिमा देख ही सकते हैं गाइस, काफ़ी वाव है, क्या ही बोला जाए। और फोर्थ नंबर पर आता है हमारा बंगला स्कूल दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि इस वर्ष कुछ इस तरह से बनाया गया है गाइस, काफ़ी भव्य दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है और काफ़ी आकर्षण का केंद्र बनाया गया है गाइस इस वर्ष भी। हर साल की भांति इस वर्ष भी काफ़ी आकर्षण और काफ़ी मन को मोह लेगा गाइस कुछ इस तरह से बनाया गया है दुर्गा पूजा पंडाल, जहाँ माँ की दुर्गा की प्रतिमा बैठने वाली है, विराजमान करने वाली है, काफ़ी भव्य लगने वाला है। क्या आप जा रहे हैं इस वर्ष दुर्गा पूजा घूमने के लिए, तो प्लीज़ गाइस कमेंट जरूर कमेंट करें कि आपको कौन सा दुर्गा पूजा पंडाल काफ़ी अच्छा लगा और बेस्ट नंबर वन पे देंगे आप। तो देख सकते हैं गाइस बंगला स्कूल का दुर्गा पूजा पंडाल कुछ इस तरह से लगने वाला है इस वर्ष 2024 में। आप पांचवें नंबर पर आता है हमारा हरमू दुर्गा पूजा पंडाल समिति, देख सकते हैं गाइस इस वर्ष भी काफ़ी भव्य तरीके से बनाया गया है पूजा पंडाल, जो कि देख सकते हैं प्लास्टिक से बनाया गया है ये दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि काफ़ी आकर्षण का केंद्र है गाइस। देख सकते हैं कुछ इस तरह से बनाया गया है, जिसकी लागत करीब आप लोग 40 से 50 लाख रुपए के बीच आ रही है, और जहां माँ दुर्गा की प्रतिमा बैठी हुई है जो कि काफ़ी भव्य लग रही है गाइस, और यहां पर काफ़ी लाइटिंग वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि काफ़ी भव्य लग रहा है। क्या बोला जाए, इस वर्ष 2024 में काफ़ी अच्छे अच्छे दुर्गा पूजा पंडाल बनाए गए हैं गाइस रांची में। देख सकते हैं कुछ इस तरह से कलाकृति की गई है गाइस, कला का नमूना है, कलाकृति का नमूना है गाइस। तो छठवें नंबर पर आता है हमारा रातू रोड दुर्गा पूजा पंडाल, जो इस वर्ष आप लोगों आदिवासी कला संस्कृति और झारखंड की कला को दिखाता हुआ प्रदर्शन कर रहा है गाइस इस वर्ष, और यहाँ पर काफ़ी कुछ लगाए गए हैं, काफ़ी निपुणता से काम की गई है गाइस। अंदर में काफ़ी मेरे को देख के काफ़ी एट्रेक्टिव लगा, काफ़ी अच्छा लगा गाइस, अंदर से काफ़ी अच्छा बनाया गया है, बाहर से वैसे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक ठाक है, बट अंदर से औसम है गाइस, अंदर से वाव है, देख के काफ़ी दिल खुश हो जाएगा गाइस। आप अंदर एक बार जरूर विजिट करें, अंदर में काफ़ी मतलब मेहनत भरा काम किया गया है गाइस, बाहर से वैसे लुक नहीं लग रहा था बट अंदर घुस के काफ़ी वाव वाला फीलिंग आया। यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा नहीं बैठाया गया था, इस वजह से मैंने नहीं दिखाया। देख सकते हैं कुछ इस तरह से काम किया गया है गाइस रातू रोड दुर्गा पूजा पंडाल इस वर्ष 2024 में। गाइस आप कौन सा पूजा पंडाल घूमने जा रहे हैं प्लीज़ गाइस कमेंट जरूर कमेंट करें, और अपने छोटे भाई को सपोर्ट तो जरूर करें यार, तभी तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो वगैरह बना पाऊंगा, प्लीज़ गाइस सपोर्ट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट पूजा पंडाल, सातवें नंबर पर आता है गाइस हमारा मेन रोड दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद समिति के द्वारा बनाया जाता है ये दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि काशी थीम पे बनाया गया है इस वर्ष, जिसकी लागत आ रही है 30 से 40 लाख रुपए के बीच ये लागत पे बनाया गया है दुर्गा पूजा पंडाल मेन रोड में, जो कि काफ़ी आकर्षण का केंद्र है गाइस। जस्ट मेन रोड रांची के DNA में बनाया गया है ये दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि काफ़ी एट्रेक्टिव करता है गाइस। देख सकते हैं कुछ इस तरह से बनाया गया है प्लाईवुड से, जो कि काफ़ी अलग और कुछ शिक्षा प्रदान करता है गाइस, एक काशी घाट को दर्शा रहा है, क्या बोला जाए। क्या आप घूमने जा रहे हैं, 6 तारीख को पट वगैरह खोल दिया जाएगा गाइस दुर्गा पूजा पंडाल सभी का, देख सकते हैं कुछ इस तरह से लगने वाला है मेन रोड दुर्गा पूजा पंडाल। और आठवें नंबर पर आता है गाइस हमारा बांधगाड़ी का दुर्गा पूजा पंडाल, जो घड़े वगैरह आप देख रहे हैं यहाँ, करीब आप लोगों को 2000 घड़े का प्रयोग किया गया है, यहाँ घड़े लगाए गए हैं जो इस तरह से लगने वाले हैं, जो काफ़ी आकर्षण का केंद्र है गाइस ये बांधगाड़ी का दुर्गा पूजा पंडाल है गाइस, जो कि काफ़ी अपने आप में एट्रैक्शन का केंद्र, आकर्षण का केंद्र लग रहा है गाइस। एक बार आप जरूर जाइए यहाँ पर, विजिट करिए, देखने में काफ़ी औसम और काफ़ी वाव है गाइस। देख सकते हैं कुछ इस तरह से लगने वाला है ये बांधगाड़ी का दुर्गा पूजा पंडाल, एक बार जरूर जाइए गाइस आप। और नवे नंबर पर आता है हमारा बुट्टी मोड़ दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि इस तरह से बनाया गया है, बिल्कुल पुराने थीम में ये काम किया गया है, इसलिए मैंने इसे 9 नंबर पर रखा हूँ। देख सकते हैं बुट्टी मोड़ का दुर्गा पूजा पंडाल कुछ इस तरह से रहने लगने वाला है। और 10वें नंबर पर आता है हमारा गाइस जस्ट विंटर मार्केट के जस्ट बगल में बनाया गया है, हमें शिक्षा प्रदान करता है गाइस पेड़ काटने नहीं चाहिए गाइस, इस थीम पे बनाया गया है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है। आप रांची में कहाँ जा रहे हैं दुर्गा पूजा घूमने के लिए गाइस, प्लीज़ गाइस कमेंट जरूर कमेंट करें, और आपके छोटे भाई की वीडियो कैसा लगता है वो भी प्लीज़ बताइए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें यार। जय झारखंड, जय जोहार। बस।